अभी हाल ही में मुंबई में एक मर्डर होता है और जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का और उनके गैंग का नाम आता है। बवासीर की वो बीजेपी में अभी शामिल थे, इससे पहले वो कांग्रेस में थे और 3 बार के वो विधायक रह चुके हैं और उनकी हत्या होती है, उसके बाद ये मामला सियासी होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से अभी मुंबई में महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन है और बवासीर की जो बीजेपी में ही थे अभी शामिल थे और उनकी हत्या होने के बाद जो अंधभक्त है, गोदी मीडिया है, वो इसे हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पे इस बात को प्रचार प्रसार और फैला रही थी कि ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है। और सलमान खान के करीबी थे, शाहरुख खान के साथ उनके पिक्चर वायरल हो रहे थे। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक पोस्ट आता है जो सोशल मीडिया पे दिखाई देती है, उसमें ये लिखा हुआ था, जो सलमान खान की मदद करेगा वो अपनी जान की कीमत से चुकाने के लिए तैयार रहे। और इसके बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है और ये पोस्ट भी ज्यादा वायरल होते हुए, जिसके बाद प्रशासन उसे गिरफ्तार कर लेती है। और बात की जाए जिस तरीके से सलमान खान का इसमें उनपे हत्या का प्रेशर और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के द्वारा अटैक करने की बात की जाती है, तो पिछले कई सालों से ऐसा देखने को मिल पा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के द्वारा उनपे अटैक की कोशिश, या ऐसे कई न्यूज निकल के आ रहे थे कि उनपे हत्या का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है और उसके बाद करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगा मेडी, जो पिछले साल उनकी हत्या होती है और ये कह के हत्या की जाती है कि ये लॉरेंस बिश्नोई के लोग इसमें शामिल थे, और इस पे ये अगर मान लिया जाए कि लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में है और ऑपरेट कर रहा है, तो क्या सत्ता के बिना मदद के वो जेल से उनके गैंग चल रहे हैं, जो उनमें गैंग में शामिल होते हैं, क्या सत्ता के उनको संरक्षण नहीं रहता है? ऐसा कहा जाता है कि मुंबई में अगर एक कट्ठा जमीन भी लेना है तो उसके लिए सेक्रेटरी मनी लोगों को देना पड़ता है, असूली होती है, और कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स और गैंग के जो मेंबर है वो लोग शामिल रहते हैं। तो सिद्धू मूसेवाला का हत्या होने के बाद इस गैंग को थोड़ी सी मीडिया में जगह तवज्जो देने जाने लगी, और इसका इस्तेमाल आखिर कौन कौन लोग कर रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। और जिस तरीके से इसमें लोगों के नाम शामिल हो रहे हैं, इसमें गुरमेल सिंह हरियाणा के कैथल जिले के नरर गांव के रहने वाला है, उनकी इसमें हत्या में, और दो अन्य लोग हैं वहीं पे, अन्य दो शूटर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रहने वाले हैं। इनमें से हरियाणा के गुरमेल सिंह और दूसरे शूटर धर्मराज को गिरफ्तार किया जा चुका है और तीसरा शूटर शिव कुमार अभी फरार चल रहे हैं। तो ये लोग शामिल थे। और जलंधर ग्रामीण पुलिस ने साल 2022 में ऑर्गेनाइज क्राइम, मर्डर और डकैती के केस में जिसान को गिरफ्तार किया गया था। तो ये जिस एंगल से हिंदू मुस्लिम का एंगल देखा जा रहा था, जैसे ही जिसान को गिरफ्तार किया गया था, और उनकी जब इसमें एंगल और एंट्री होती है, ये जिसान कौन है? जिसान वही लोग है, जिसान वही व्यक्ति है जो बाबा सिद्दीकी की लोकेशन को ट्रैक करके उन्हें शूटर को बता रहा था, शिव कुमार को, धर्मराज को ये बता रहा था कि बाबा सिद्दीकी आखिर है कहाँ पे। और उसको शूट करने के बाद जिस तरीके से उनको दिशा निर्देश दिया गया कि इधर निकलना है, यहाँ निकलना है, और उनको वहां से मदद की। किसान पटियाला जेल में रहने वाले लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के संपर्क में आता है, और उनको आखिर कौन लोग है जो बाबा सिद्दीकी की सुपारी दी गई थी? तो जिसान का जैसे ही इसमें एंगल आता है, हिंदू मुस्लिम का एंगल समाप्त हो जाता है। और उस पोस्ट में ये भी लिखा हुआ था जो पोस्ट वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, उसमें लिखा हुआ था कि दाऊद गैंग और जो सलमान खान की मदद करेगा वो अपनी जान की कीमत देने के लिए तैयार रहे। तो ऐसे पोस्ट वायरल हो रहे थे। और गुजरात के जेल में लॉरेंस बिश्नोई ने कैसे अपना बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया, ये तो गृह मंत्री साहब बताएंगे कि कैसे गैंग चल रही है, गुजरात के जेलों से चल रही है, और जिस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है और लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और बड़े बड़े नेता जो बीजेपी में भी शामिल है उनको भी टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एंगल देखा जा रहा है। तो वो बीजेपी के नेता भी थे, अभी फिलहाल बीजेपी में जुड़े हुए थे, और इलेक्शन से पहले उनकी मौत होती है, और कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम का एंगल इसमें खोजने और निकालने की पुलिस प्रशासन के द्वारा भी और मीडिया के द्वारा भी इस तरीके से देखने सुनने को मिल पा रहा था। और जिस तरीके से समाज के लोगों की प्रतिक्रिया है सोशल मीडिया पे, तो क्या सरकार खामोश क्यों है, और कौन लोग है जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को
पनाह दे रहे हैं, अगर उनके शूटर हैं क्या जो आतंकवादी को ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्या उनके शूटर को ढूंढ के उनका खात्मा नहीं कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? आखिरकार पॉलिटिक्स के इशारे पे ही तो हो रहा है। और जिस तरीके से मुंबई में छोटी मोटी ऐसी न्यूज निकल के आ रही है कि छोटी मोटी जमीन भी लेना है तो आपको सिक्योरिटी मनी देना होगा, नहीं तो आपकी जान को खतरा है। और कोई भी प्रॉपर्टी हो, डीलर हो, प्रॉपर्टी डील करता है या बिल्डिंग बनाता है, बिल्डिंग खड़ा करता है या पुराने घर को तोड़ के नया बिल्डिंग बना रहा है, तो उसके आसपास कहीं ना कहीं वसीली गैंग जो उनसे पैसा लेने के लिए, छीनने के लिए, ऐंठने के लिए आसपास में मंडराती हुई नजर आती है। चाहे जैसे भी जिस तरीके से हो, धमकी दे करके हो, उनसे पैसा लिया जाता है। तो मुंबई की ये स्थिति फिलहाल बनी हुई है और कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है। लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए, पर इसमें कहीं ना कहीं ये जरूर है कि शासन प्रशासन के लोग भी शामिल होंगे और उनको मदद करते हुएंगे। अगर वो जेल से ऑपरेट कर रहा है कोई गैंग को, तो कैसे कर रहा है? वो तो जेल में ना तो वहाँ पे मोबाइल लेकर जा सकते हैं, ना ही ऐसी कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप वहाँ पे गैंग को ऑपरेट कर सकते हैं। शासन प्रशासन के साथ साथ राजनेता भी इसमें शामिल होंगे, नेता भी शामिल होंगे, तभी जा करके वो अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। इस पे सरकार को कड़ी एक्शन लेना चाहिए और ऐसे गैंग को पनपने से पहले ही, जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई उसी टाइम उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए। अभी बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, इससे पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी जो कर्णी सेना के अध्यक्ष थे और बामसेफ के साथ उनका संगठन जो है, जो मजबूती से कदम बढ़ा के आगे बढ़ रही थी, पर जैसे ही बामसेफ के संगठन के संपर्क में आते हैं कर्णी सेना के अध्यक्ष, तो उनकी हत्या हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। बहुजन समाज के लोग और सभी समाज के लोग, अन्य समाज के लोग भी इस पे कड़ा विरोध करना चाहिए, और ये ऐसा संगठन समाज के लिए खतरनाक है।